देखिए, जिस राजस्थान को शांति का प्रदेश कहा जाता है, उसमें करणी सेना के मुखिया को, जो 3600 कौम की लड़ाई लड़ता है, घर में घुस करके और अपराधी इस तरह से गोलियां मार देते हैं, और वो भी उस शख्सियत के साथ जो कम से कम 10 बार हमने राजस्थान सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से सुरक्षा की मांग की और उनको सुरक्षा नहीं दी गई। आज अगर हमारी बात को सुना जाता, उनको सुरक्षा दी जाती, तो वो हमारा भाई हमारे बीच होता। और हम हमारे भाई को अग्नि तब तक नहीं देंगे जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिले और वो अपराधी नहीं पकड़े जाएं। और जो पुलिस कर्मी, जो पुलिस के अधिकारी, जिनसे बार बार हमने सुरक्षा की मांग की और उन्होंने लिपा पोती करके उन फाइलों को बंद कर दिया, उन पुलिस अधिकारियों के, कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उन सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए। सुखदेव सिंह जी के तहत सोची समझी साजिश के तहत की गई है। आज से 6 महीने पहले खुद आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनको बताया था कि उनकी हत्या हो सकती है, बाहर से कोई शूटर आए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा देने में नाकाम रहा। बार बार सुरक्षा की मांग की, हमारे विभिन्न संगठनों ने जा जाके लेटर में, लिखित में दे के मांग की हुई है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की। अशोक गहलोत और इस कांग्रेस सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या करवाई है। हमारे समाज के एक बड़े नेता की बार बार उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे, तो जानबूझ के उनकी हत्या करवाई गई है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू इसके अंदर छुपा हुआ है। आप लोग यहाँ पे रोड पे धरना दिए हुए हैं, तो आपको, आप लोग क्या लगता है आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? हम इसके अलावा हम कर भी कह सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये अभी यहाँ नहीं, ये जगह जगह पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जगह जगह रोड पासी चाहिए, पासी और कुछ नहीं, ओनली पासी आंदोलन करेंगे हम। पूरे राजस्थान में नहीं, भारत में आग लगा देंगे। और हमारे 36 कौम के सिपाही की जो हत्या हुई है या उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसको हम नहीं सहेंगे। ये समीकरण सारे इस गहलोत सरकार के समीकरण है। गहलोत साहब, आप तक हमारी भाइयों की सबकी आवाज पहुंचे तो आपको हम जिंदा कर देंगे। हमारे समाज को इतना नुकसान दिया है, हमारे समाज का एक हुनर आदमी गया है, कोई छोटा आदमी नहीं गया। 36 कौम को बोले छोटा आदमी नहीं गया है, जो एस से लेके जेड तक आदमी के साथ रहने वाला आदमी, बेटी के, गाय के लिए अपनी जान देने वाला आदमी, हम उनके सैनिक है, है ना। और हम लोग भी उनकी ही सिस्टम से चलते हैं। कोई आदमी क्राइम का आदमी नहीं था, है ना, उस आदमी को, और इतना ही ज्यादा प्रवीण आदमी था, उसको कायरता से हत्या कर दिया। लड़ाई लड़नी थी सामने की, लड़ता इस गहलोत सरकार ने उनको सरेंटर द्वारा मार दिया गया। और कहीं कहीं इस चुनाव की रणनीति बनी हुई है, ये इसी कहीं कहीं मारा गया है। उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? मैं खुद राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हूँ, मैं खुद में कलेक्टर को, हमारे आप उस फेसबुक को देख लीजिए, गजराज सिंह नाथौर मेरा नाम है, पुलिस कमिश्नर को, डीजी को, अभी डीजी को तो 2-3 महीने चुनाव पहले दिए हमने, सारे बेमना हुआ। अब हम लोग देखे हैं, हम लोग यहाँ के, एक बार उन्होंने 2 पुलिस वाले बाहर बैठा दिए, जिनके पास में पुलिस की बंदूक नहीं थी, 2 डंडे थे, वो डंडों से क्या करते भाई साहब, श्यामनगर थाने से 2 पुलिस वाले आते थे, है ना, 2 श्यामनगर थाने से 2 पुलिस वाले आते थे, वो बाहर बैठ के चल जाते थे, वो क्या करते थे साहब, वो उनको डंडा, जो बंदूक लेके आ रहा वो डंडे से क्या करेगा, 2 बंदों को उनको जरूर बैठाया था, वो हमने देखा था, उसके बाद उनको बैठा दिया गया। और कहीं कहीं मैं ये गहलोत सरकार की कहीं कहीं रणनीति है, और मैं जितने भी मंत्री है, चाहे डोडासरा हो चाहे पोडासरा हो, इन लोगों की कहीं कहीं इसमें साजिश आती है उनको मराने की, और कहीं उनको मराया गया। तो अब बीजेपी सरकार बन चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है अभी कहाँ सरकार बनेगी? बनेगी अभी तो रिजल्ट आए हैं, बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक प्रशासन तो वही चल रहा है ना, हमारी गवर्नमेंट, तो हमारा मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे तब होगा, लेकिन ये पूरा पूरी प्लान आज का नहीं है, पिछले 6 महीने से प्लान चल रहा है। और खुद मैंने बताया ना, मुझे सुखदेव जी ने खुद ने बताया था आज से 3-4 महीने पहले, राजनीतिक षड्यंत्र है ये, बार बार अशोक गहलोत के इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और विभिन्न प्रकार के संगठनों के खिलाफ इन्होंने जो गलत काम करने के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र चला गया अपराधियों द्वारा, और उसमें से राजनीतिक से कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक से।